डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा, आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपका काव्यखंड का पहला लेशन है, शूरदास। बेटा, मैंने आपको पहला लेशन पढ़ाया था वो गद्य खंड का था, आज क्या है मैं आपको काव्यखंड का जो है पहला लेशन पढ़ाऊँगी। तो चलिए बेटा, पहले आप जो है शूरदास के संक्षिप्त परिचय के बारे में जानते हैं, उसके बाद जो है उनका विस्तार जीवन परिचय पढ़ करके मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए देखते हैं पहले इनका जन्म। सूरदास जो है, पहली बात तो आप उनको जान लीजिए कि सूरदास जो है कृष्ण सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। आता है लिखने को सगुण भक्ति शाखा के कवियों के नाम लिखे, तो सगुण भक्ति शाखा के जो पूछा जाए तो आप तुलसीदास का भी नाम लिखेंगे, कृष्ण सूरदास का भी नाम लिखेंगे और मीराबाई का भी नाम लिखेंगे। देखिए, सगुण और निर्गुण, इसका मतलब तो आपको 9 भी पढ़ाया गया था बेटा। सगुण का मतलब होता है जो साक्षात ईश्वर के साकार रूप का जो पूजा अर्चन किया जाए, साक्षात रूप में माना जाए, उनका रूप आकार बताया जाए, वो आपका सगुण भक्ति शाखा हो, मतलब सगुण भक्ति शाखा है। और निर्गुण भक्ति शाखा क्या होता है, जो है जब जब किसी भी ईश्वर का कोई रूप आकार ना बताया जाए, उनका ना कोई रूप है ना आकार है, योग और ज्ञान का जो महत्व दिया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, निर्गुण भक्ति शाखा होती है। ये जो है सगुण और निर्गुण दोनों जो है भक्ति काल से विभक्त किए गए हैं। और उसके बाद जो है सगुण की दो शाखाएं थी, एक रामाश्रय और एक कृष्णाश्रय। तो रामाश्रय में जो राम को मानने वाले थे वो रामाश्रय के हुए, और जो कृष्ण को मानने वाले थे वो कृष्णाश्रय के हुए। तो सूरदास जी किस थे, भक्ति काल को तो थे, लेकिन किस जो है कृष्णाश्रय शाखा के थे। आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे बेटा, तो इसको आप लोग याद कर लेना और नोट भी कर लेना आप लोग। अब देखिए इनका जीवन परिचय। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, जन्मस्थान रुनुक्ता आगरा, निधन सन 1583 ईस्वी। रचनाएं साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर सागर, भाषा ब्रजभाषा, शैली गीत काव्य की भावपूर्ण और संगीतमयी, रस वात्सल्य और श्रृंगार, अलंकार उपमा रूपक और प्रेक्षा। तो ये तो इनका हुआ संक्षेप में जीवन परिचय। तो बेटा आप लोग पहले क्या करेंगे, संक्षेप में इनका जीवन परिचय जैसे लिखा गया है ऐसे लिखेंगे, उसके बाद इनका विस्तार लिखना है। और विस्तार में उनको जो है उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों को भी ही लिखा जाता है। आप लोगों जैसे 9th में बेटा लिखा होगा वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। आगे देखिए, सूरदास भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनुक्ता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास साराश्वत था। जैसा जनश्रुति है कि सूर जन्म से ही अंधे थे, परंतु कुछ विद्वान इसमें जो है संदेह करते हैं, क्योंकि सूर के वात्सल और श्रृंगार का जैसा अनुपम वर्णन किया है वैसा कोई जन्मांध कभी नहीं कर सकता। अतः इनका जन्म में अंधा होना ही अधिक प्रामाणिक जान पड़ता है। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे, ये गऊ घाट पर रहते और विनय के पद गाया करते थे। कृष्ण की लीला गान करने का सुझाव जो है इन्हें वल्लभाचार्य जी ने दिया था। एक बार वल्लभाचार्य के गऊ घाट पर रुके सूरदास ने उन्हें सुचरित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य जी ने इनको कृष्ण की लीला गान करने का सुझाव दिया, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए और कृष्ण लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। सूरदास अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका गोलोक वासन का मतलब होता है मृत्यु, 1583 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी में पारशौली नामक ग्राम में हुआ था। खंजन नयन रूप रसमाते पद का गान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। देखिए बेटा, सूरदास जी थे वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वो जो है सिर्फ इन्होंने जो इनके प्रिय ईश्वर थे कृष्ण थे। इन्होंने श्री कृष्ण का बचपन का एक भी ऐसा कोना नहीं था जो इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त ना किया। कहने का मतलब उनकी जो भी लीलाएं थी, बचपन की जो लीलाएं थी,
उसका एक भी कोना उनसे छूटा नहीं है। ऐसा तो वही व्यक्ति कर सकते हैं जो अपने आँखों से देखते हैं। यदि हम किसी के रूप को देखेंगे तभी उसके बारे में वर्णन कर सकते हैं ना। यदि आप किसी को देखोगे नहीं तो कैसे कह सकते हो कि ये सुंदर है, इनके ऊपर क्या अच्छा लगता है, ये क्या पहने हुए हैं। लेकिन जो है सूरदास जी जन्म से अंधा, मतलब जो जन्म से अंधा है वो कैसे जो है किसी के जो है सुंदरता का वर्णन कैसे कर सकता है। लेकिन सूरदास जी ने ऐसा किया है। लोगों का मानना है कि जन्म से अंधे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इनको जो है श्री कृष्ण ने स्वयं दर्शन दिया था, जिसके कारण इनको जो है पूर्ण ज्ञान था, जिसके कारण ये लिखे हैं, उनके बारे में इन्होंने पूर्ण लिख दिया है। और जो है इनकी रचनाएं हैं जो है साहित्य लहरी, सूर सागर और सारावली हैं इनकी जो है रचनाएं हैं। अब देखिए इनकी रचनाओं के प्रति जो है एक दोहा जो है प्रचलित है, उसमें कहा जाता है, साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छप्पर लेखनी अनुपम चली। बेटा ये जो है आप जो ये जो दोहा है इसको जो है आप लोग से अच्छे से इसे लर्न कर लीजिएगा। और जब लिखना आप तो पहले ये लिख देना, क्योंकि इसमें जो है इनकी जो भी रचनाएं हैं उसमें सब आती हैं। साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छप्पर लेखनी अनुपम चली। और उसके बाद जो है इनकी भाषा क्या है, ब्रजभाषा है इनकी भाषा है बेटा, वो ब्रजभाषा है। और जो है आगे देख लीजिए आप लोग, और इनके जो है गुण में की प्रधानता है, माधुरी गुण की इनकी रचनाओं में प्रधानता दी गई है। तो ये जो है आपका क्या हुआ, और इनकी शैली क्या है बेटा, मुक्तक शैली है। इनकी जो शैली है वो क्या है, मुक्तक शैली है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है, और जो है समस्त काव्य मुक्त शैली में रचित है। मतलब इनकी जो रचना है वो बिल्कुल मुक्त है और संगीतमय सरल एवं प्रभावपूर्ण है। इस तरह क्या है आप लोग इनका जीवन परिचय बेटा जो है आपको करना पड़ेगा। तो पहले क्या है आप जीवन संक्षिप्त परिचय डालेंगे, फिर जीवन परिचय डाल करके लिखेंगे, फिर रचनाएं डालेंगे, भाषा शैली डाल के। इस तरह जो है आपका ये क्या है जीवन परिचय इनका बेटा समाप्त हो गया है।